नो डाउट 2024 की वन ऑफ द बेस्ट एनिमी सीरीज में से एक सोलो लेवलिंग इतनी ज्यादा तगड़ी सीरीज है कि हर फैंस को इसकी ही जैसी एनिमी सीरीज देखना पसंद है। तो इसकी हमें काफी सारी डिमांड्स देखने को मिलती रहती हैं कि भाई कोई सोलो लेवलिंग जैसी सीरीज बता दो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ऐसे 7 एनिमी सीरीज बताने वाला हूँ जो सोलो लेवलिंग से काफी ज्यादा सिमिलर है, जिसका मेन कैरेक्टर शुरुआत में तो काफी ज्यादा वीक होता है, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है उसका मेन प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा ओवर पावर हो जाता है। लेकिन हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 7 पे देखने को मिलती है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड, जहाँ मेन कैरेक्टर काफी वीक तो होता है ही, लेकिन ये साथ में काफी मोटा भी होता है, जिसकी वजह से इस बंदे को काफी बुली किया जाता है। लेकिन एक दिन उसे अपने ही घर के बेसमेंट में एक ऐसा दरवाजा मिल जाता है जो उसके घर को दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर देता है। तो वो वहाँ पे जाके काफी सारे मॉन्स्टर को डिफीट करके पावरफुल हो जाता है, जस्ट लाइक सोलो लेवलिंग। और साथ ही उसकी पर्सनालिटी एंड उसके लुक बहुत ही ज्यादा तगड़ी हो जाती है। जहाँ सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये देखने को मिलती है कि वो रियल वर्ल्ड में वापस आ सकता है। इसका मतलब है कि उसकी लाइफ दोनों जगह पे देखने को मिलती है और वो उसे काफी अच्छे से बैलेंस भी करता है। तो काफी सारे हीरोइक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड बहुत ज्यादा तगड़ा है, तो तुम्हें इसमें बहुत मजा आने वाला है। एंड इसके बाद नंबर 6 पे हमें जो देखने को मिलती है वो है गॉड ऑफ हाई स्कूल, जो हमारे जिन मोरी के अराउंड में रिवॉल्व करती है, जो बाकी कैरेक्टर्स की तरह इतना वीक तो नहीं है, लेकिन हाँ उसकी याददाश्त जा चुकी है, जिसकी वजह से वो अपने ट्रू स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी से अनअवेयर होता है। लेकिन एक हाई स्कूल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें जीतने वाले की किसी भी तरह की एक विश को पूरा किया जा सकता है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, मतलब बंदा कुछ भी कर सकता है। और इस बैटल के दौरान में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपनी ट्रू पावर्स को अचीव करता है, जो लिटरली में बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प्स देती है। अब इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो एक्शन है और इसकी जो मार्शल आर्ट्स पे बेस्ड फाइट्स है वो बहुत तगड़ी लगती है, तो वो तुम्हें गूज़बम्प्स देने का काम जरूर करेंगी। एंड इसके बाद नंबर 5 पे देखने को मिलती है अ सीक्रेट डंजन ओनली आई कैन एंटर, जो काफी ज्यादा सिमिलर है सोलो लेवलिंग से, क्योंकि हर बंदे का एक सोशल स्टेटस होता है और वो उसी के हिसाब से काम कर सकता है। जहाँ हमारा सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट काफी बॉटम स्टेटस से बिलोंग करता है, जिसे वो ऑब्वियसली चेंज करना चाहता है, लेकिन स्किल के नाम पे उसके पास सिर्फ एक ग्रेट सेज को समन करने की स्किल होती है जो सिर्फ उसके क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है। लेकिन हाँ उस सेज के चलते उसे एक ऐसा सीक्रेट डंजन मिल जाता है जहाँ सिर्फ वही जा सकता है, तो इसके चलते वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता चला जाता है। तो काफी अच्छी स्टोरी है इसकी, तुम्हें अच्छा खासा एक्शन, अच्छी खासी फैन सर्विस और बहुत ही कमाल के प्लॉट ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, इसे गलती से भी मिस मत करना। एंड इसके बाद नंबर 4 पे देखने को मिलती है एक और इसका एनिमी जो है ओवरलोड, जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट एक ऐसा गेम खेल रहा होता है जो बहुत ही जल्दी शट डाउन होने वाला होता है, जो चीज हमारे मेन कैरेक्टर को भी पता होती है, लेकिन वो सोचता है कि वो जल्दी इस गेम से बाहर आ जाएगा, लेकिन वो गेम के अवतार के साथ ही उस गेम की दुनिया के अंदर फंस जाता है और अब बाहर नहीं निकल पाता है। और कमाल की बात कि उसका अवतार बहुत ही ज्यादा बैडएस देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक स्केलेटन है, ऊपर से ये वो गेम की दुनिया नहीं है जो उसने खेली है, और ये बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड भी है, और वो भी इतना ज्यादा पावरफुल कि ये अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए 80,000 लोगों को पलंग झपकते ही निपटा देता है। ऊपर से सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, ऊपर से इसके कैरेक्टर काफी फनी और काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस सीरीज को जरूर चेकआउट करना अगर तुम्हें इसका एनिमी सीरीज देखना पसंद है। तो नंबर 3 पे आती है राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो, जो लिटरली में बहुत ही तगड़ी सीरीज है, जिसका मेन कैरेक्टर एक दूसरी दुनिया के अंदर समन कर लिया जाता है ऐसा हीरो, लेकिन उसके साथ 3 और हीरो समन किए जाते हैं जिन्हें स्पीयर, बो, स्वॉर्ड और शील्ड का हीरो बनाया जाता है, जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर होता है शील्ड हीरो, जिसमें से ऑब्वियसली हमारा मेन कैरेक्टर सबसे ज्यादा वीक होता है, इसलिए सब उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं, उसे किंगडम से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ये बंदा रिवेंज लेने के लिए ये इतना ज्यादा ओवरपावर्ड होकर आता है कि तुम्हारे गूज़बम्प्स रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो इसकी भी स्टोरी ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और काफी कमाल की है, तो इसे भी जरूर चेकआउट करना। नंबर 2 पे आती है वन ऑफ माय फेवरेट एडवेंचर सीरीज जो है टेनमाची, जो बेल क्रेनेल के ऊपर फोकस करती है, जो स्ट्रॉन्ग एडवेंचर बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं क्योंकि एक रेड के दौरान उसकी जान एक लड़की बचा लेती है जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ओवरपावर्ड होती है। अब इतनी सुंदर लड़की के सामने जो इसकी बेइज्जती हुई है वो ऑब्वियसली इसके दिल पे लग जाती है, तो बस ये बंदा डंजन में जाके कंटिन्यूअसली मॉन्स्टर को डिफीट करता चला जाता है और बहुत ही तेजी से लेवल अप करके बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड बन जाता है। तो इसकी भी सोलो लेवलिंग की तरह वीक से ओवरपावर्ड बनने की जो जर्नी है वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी, ऊपर से इसका एक्शन बहुत तगड़ा है। बाकी इस अक्टूबर में इसका
सीजन 5 भी चल रहा है तो तुम इसे जल्दी से कॉट अप कर सकते हो। एंड फाइनली नंबर 1 पे आती है सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। अगर तुमने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमी सीरीज है जो एक आरपीजी गेम के ऊपर बेस्ड है, जहां बेसिकली काफी सारे प्लेयर्स गेम की दुनिया के अंदर फंस जाते हैं और अगर ये प्लेयर्स इस गेम की दुनिया में मर जाते हैं तो वो रियल वर्ल्ड में भी मर जाएंगे। तो इस गेम से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका होता है कि इसके सारे लेवल को वो क्लियर कर लें। जहां किरीटो जो इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो प्रिटेंड करता है कि वो बहुत वीक है लेकिन बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड एंड बैडएस होता है। तो ये सारी सीरीज तुम्हें बहुत पसंद आएगी, तो इन्हें जरूर चेकआउट करना और इनमें से तुमने कितनी सारी देख रखी है वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसी ही एनिमी रिकमेंडेशन जैसी वीडियोस देखते रहने के लिए और भी मांगा एंड एनिमी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।